हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रिक्टिप्स मैच प्रेडिक्शन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पे। तो द 100 मेंस कंपटीशन जो चल रहा है, इसका लास्ट मुकाबला, जी हां, लीग स्टेज में अभी दो मुकाबले होने और बाकी हैं एलिमिनेटर और फाइनल, लेकिन लीग स्टेज में ये है आखिरी मुकाबला, यानी कि मैच नंबर 32। वेल्श फायर और लंदन स्प्रिट के बीच ये मैच खेला जाएगा। और अगर हम बात करें इस मैच की, तो ये 11 बजे होगा और 18 अगस्त को होगा। लेकिन ये मैच जो है ना, ये सिर्फ एक प्राइड के लिए मैच है। दोनों टीम्स जो हैं वो बाहर हो चुकी हैं इस टूर्नामेंट से, तो ये मैच जो होगा वो होगा सिर्फ अपनी प्राइड के लिए। बात करें लंदन की, तो वो डेफिनेटली वो ज़रूर ये मुकाबला जीतना चाहेंगे और इस टूर्नामेंट को वो काफ़ी हाई नोट पर फिनिश करना चाहेंगे। बात करें वेल्श फायर की, तो अभी तक काफ़ी स्ट्रगल इन्होंने भी करा है, तो ये भी चाहेंगे कि इस मैच को जीतकर अपनी पोजीशन को थोड़ा सा बेहतर करें और आने वाले सीजन में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके जाएं। तो जैसे कि आपको पता है कि ये होते हैं तीन सेगमेंट, मैच विनर प्रेडिक्शन, मोस्ट रिकमेंडेड बैट और वन रिस्की बैट। तो शुरुआत करते हैं मैच विनर प्रेडिक्शन के साथ। तो इसमें मैंने बैक करा है कि लंदन की टीम मॉर्गन जो है वो डेफिनेटली इस मुकाबले को जीतने में कामयाब रहेंगे। 1.66 ऑड्स पर इन डबल स्ट्रेक है और टोटल मुनाफा है 1,333 रुपए का। तो आप बने रहें लंदन स्प्रिट के साथ कि वो ये मुकाबला जीतेंगे 1.66 ऑड्स पर। बहुत ही बढ़िया टीम है लंदन की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस टूर्नामेंट में वो क्लिक नहीं करे, लेकिन आने वाले सीजन में ये टीम होगी बहुत ही शानदार। तो इस मुकाबले में लंदन स्प्रिट ये मुकाबला जीतेंगे, तो प्लीज पैक करें इन्हें और अपने दिन को आप इस जो टूर्नामेंट का लास्ट मैच है इसको प्रॉफिट के साथ खत्म करें। तो चलते हैं सेकंड सेगमेंट, मोस्ट रिकमेंडेड बेट। इसमें मैंने पैक कराया कि इवान मॉर्गन की रहने वाली है प्लेयर परफॉर्मेंस 23+ की 1.83 ऑड्स पर। लास्ट मुकाबले में बहुत ही शानदार खेले थे मॉर्गन और 23 तो मुझे बहुत ही कम लगता है इनकी रेपुटेशन के हिसाब से। बहुत ही कमाल के प्लेयर हैं और अगर एक दफा क्रीज पर खड़े हो जाएं तो बहुत ही लंबा खेलते हैं और फील्ड में भी कैचेस पकड़ सकते हैं, क्योंकि जो इनकी पोजीशन होती है वो होती है 30 यार्ड के सर्कल के अंदर ही। तो आप बने रहें मॉर्गन के साथ कि ये 23+ क्रॉस करने में कामयाब रहेंगे 1.83 ऑड्स पर। टोटल मुनाफा इंटू 3 के स्टेक के बाद मिल रहा है पूरे 2500 रुपए का। तो ये बैट मुझे काफी ज्यादा कंफर्ट देती है। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं वन रिस्की बैट सेगमेंट की तरफ। तो इसमें मैंने बैक कराया कि बेंटेकिट बहुत ही शानदार प्लेयर है, वेल्श फायर को अभी तक संभाले हुए हैं, रन मारते हैं, लेकिन इतना ज्यादा इन्होंने अभी खेल अपना नहीं दिखाया है इस टूर्नामेंट में, लेकिन लास्ट मुकाबला है तो जरूर चाहेंगे कि अच्छे नोट के साथ एक लोगों को बताएं कि इनकी क्या रेपुटेशन है। तो इनकी जो है मैंने प्लेयर परफॉर्मेंस को बैक करा है 25+ की 1.83 ऑड्स पर। इंटू 4 का स्ट्रेक है, 3,333 रुपए का टोटल मुनाफा है। और आपको मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूं, अगर डकेट एक रन मारेंगे, एक पॉइंट है, एक कैच पकड़ेंगे 10 पॉइंट है, एक विकेट लेंगे तो 20 पॉइंट है, तो एट द एंड ऑफ द मैच आपको ये सब चीजें कैलकुलेट करनी होती है कि आपके प्लेयर ने कि ये 25+ क्रॉस करा है या नहीं करा है। तो मैंने बैक करा है कि डकेट जो है क्रॉस कर जाएंगे। तो ये तीनों सेगमेंट मैंने आपको जो रिकमेंड करे हैं ये आपको मिल जाएंगे bet365 की वेबसाइट पर। बहुत ही कमाल की वेबसाइट है, विड्रॉ हो, डिपॉजिट हो या फिर आपको कोई हेल्प लेनी हो कस्टमर पे, तो बहुत ही क्विक रिस्पॉन्सेज हैं और डिपॉजिट विड्रॉल तो बहुत ही बढ़िया है। तो इसलिए मैंने रिकमेंड करा है और इसलिए मैंने आपकी लिए आसानी के लिए वीडियो के नीचे ही डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दिया है। उस लिंक को आपका ये टैप और आप डायरेक्टली पहुंच जाएंगे वेबसाइट पर और वहां पर जाके आप आसानी के साथ, बहुत ही आसानी के साथ स्टेक लगा सकते हैं और एक बार अपने दिन को फिर से बना सकते हैं प्रॉफिटेबल। और क्रिक्टिप्स मैच प्रेडिक्शन जो ये चैनल है इसको प्लीज सब्सक्राइब करें। और ये लास्ट मुकाबला था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वीडियोस नहीं आएंगी, वीडियोस आएंगी। इंटरनेशनल मुकाबले भी हैं, T20 लीग्स भी हैं और अगले महीने सब जानते हैं IPL भी है और उसके बाद वर्ल्ड कप भी है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं कि प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो होती है साइड में ही उसको आप टैप करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि तभी आपको पता लगता है कि मैंने चैनल पर कौन सी और कब वीडियो अपलोड करी है। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।